ओए तू यहाँ क्या कर रही है? तुझे ढूंढते हुए तेरा बॉयफ्रेंड यहाँ तक आ गया। कहाँ गई यार शीतल? ओह शिट यार, अगर इसने मुझे देख लिया ना तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। क्या करूं? देख, तू मेरी अच्छी दोस्त है ना, प्लीज मेरी एक हेल्प कर दे, इसको कैसे भी यहाँ से भगा दे। मैं कैसे भगाऊंगी यार, तू मेरी दोस्त है, तू मेरे लिए इतना नहीं कर सकती? कर तो सकती हूँ, पर इसमें मेरा क्या फायदा? मुझे अच्छे से पता है तुम्हें क्या चाहिए। ये लो और जाओ, रोको सर, काम हो जाएगा। सैम, अरे केनिशा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अंदर पार्टी में नहीं गए? कॉल पर बात करना था, अंदर नेटवर्क नहीं आ रहा था इसलिए। अच्छा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं यार, काफी टाइम से शीतल को ढूंढ रहा हूँ और वो अंदर पार्टी में थी, पता नहीं कहाँ चली गई और उसका नंबर भी नहीं लग रहा। हाँ मैं भी काफी टाइम से बाहर हूँ, वो दिख नहीं रही मुझे कहीं भी। अच्छा, पता नहीं यार कहाँ चली गई। ठीक है, तुम अंदर जाओ, मैं उसको ढूंढता हूँ। सैम। हाँ बोलो। मुझे तुमसे एक बात करना है। हाँ बोलो, क्या बात करनी है? मैं तुम्हें बहुत दिन से कहना चाहती थी, आई रियली लाइक यू। क्या कहा तुमने? तुम मुझे लाइक करते हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, शीतल मेरी गर्लफ्रेंड है और तुम्हारी दोस्त, ये क्या बोल रहे हो तुम? अरे ये पागल हो गई है क्या? ये इसे प्रपोज क्यों कर रही है? अरे पागल है क्या? यही तो हम चाहते थे हमारे रास्ते का काटा हट जाए, और हट गया। इसके बाद तुम और मैं बस। अरे तू पागल वागल हो गया है क्या? बॉयफ्रेंड है वो मेरा। मुझे पता है वो मेरी अच्छी दोस्त है, पर फीलिंग्स पर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? एक बात बोलूं, मैं भी तुम्हें बहुत टाइम से लाइक करता हूं। क्या? मेरा मतलब सच्ची? हाँ हाँ सच में, वो शीतल बीच में थी तो कभी बोल नहीं पाया, आज आपने सामने से बोल दिया इसलिए बोल भी पा रहा हूँ। और हम दोनों अब से साथ रहेंगे और शादी भी कर लेंगे। शादी? हाँ, क्या प्रॉब्लम है शादी में? हम दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं तो शादी तो करेंगे ना। तुम ये सब क्या कह रहे हो? शादी तो बहुत दूर की बात है। सैम ने हाँ कर दी? अरे तुम परेशान क्यों हो रही हो? तुम भी तो यही चाहती थी ना। ये मेरा बॉयफ्रेंड है, ये हाँ कैसे कर सकता है? इसको तो अभी मैं बताती हूँ। ये सब क्या हो रहा है? और तू, तुझे मैंने यहाँ पे इसको रोकने के लिए बोला था, ना कि प्रपोज करने के लिए। तुझसे तो मैं बाद में नहीं पढ़ती हूँ। और तुम, इसने तुम्हें प्रपोज किया और तुमने हाँ कर दिया। तुम जैसे लड़कों की वजह से ना हमें बैकअप लेके चलना पड़ता है। क्या बोला शीतल तुमने? मैं तुम्हारा बैकअप हूँ। तुम अभी चुप करो। अरे क्या हुआ, तुम क्यों इतना रिएक्ट कर रहे हो? आई थॉट तुम्हारे लिए सब कुछ नॉर्मल है, दो दो बॉयफ्रेंड बनाना, चीट करना, तुम करो तो सही, हम करें तो गलत। क्या बकवास कर रहे हो ये सब? मैं बकवास नहीं कर रहा, मुझे सब पता है कि तुम मुझ पर चीट कर रहे हो, और आज से नहीं बहुत पहले से। सैम, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हें तो पता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बकवास बंद करो, अब ये सब बोलने का कोई फायदा नहीं है। तुमने जो गलती की है उसकी माफी तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। और हाँ, तुम्हारे पास है तो बैकअप, अब इसी के साथ रहो, मुझे माफ करो, मैं चलता हूँ। सैम, सूरज, देखो हम तो यही चाहते थे ना, हमारे रास्ते का काटा चला गया, अब हम दोनों एक साथ हो सकते हैं। शीतल, मुझे तुम्हारा बैकअप बनने का कोई शौक नहीं है, पर हाँ मेरे जाने के बाद तुम्हारे पास ऑलरेडी कोई ना कोई बैकअप तो होगा ही। तो अब तुम क्या करोगी? तुम्हारा दोनों हाथ का लड्डू गया गया। तब ये पैसे आपके जमीन पे गिरे होते। मेरे पैसे? थैंक यू भैया। कुछ चाहिए आपको? वो पानी। एक मिनट, ये लो। धन्यवाद। कुछ और चाहिए आपको? ये लो। शुक्रिया साहब। अरे भैया सुनो,
भैया भैया बहन उठ। अरे भैया तुम्हें भूख लगी हुई थी ना, ये देखो तुम्हारे लिए मैं बिस्किट लेके आया हूँ। पर भैया आपने भी तो 3 दिन से कुछ नहीं खाया। वो मैंने ना रास्ते में खा लिया था, ये लो खाओ। आप खाओ भैया, आप मेरे लिए इतना कर रहे हो। आपको पता है मुझे टीबी है, इसके बाद भी आप इधर उधर भाग रहे हो। बहन तू परेशान क्यों होती है, तो मेरी जिम्मेदारी है। तेरी परेशानी मेरी परेशानी है ना, तो क्यों टेंशन लेते, तेरा बड़ा भाई हूँ ना मैं। रो क्यों रही है पगली, मैं हूँ ना। पर भैया आप मेरे लिए कितना कर रहे हो, मैं आपको ऐसी तकलीफ में नहीं देख सकती। भाई साहब ये पोली बैग आप वहीं पर छोड़ आए थे। अरे साहब बहुत बहुत धन्यवाद साहब। अरे धन्यवाद वाली क्या बात है, आपने मेरी हेल्प की मैंने आपकी। चलो ठीक है चलता हूँ, ख्याल रखना। इतने सारे पैसे, ये मेरी ईमानदारी का मेहनत का फल है। वो क्या है ना, उन साहब के पैसे गिर गए थे, मैंने ये पैसे उनको उठा के दे दिए थे, शायद उन्होंने मुझे इनाम में दिए हो। भैया आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना, अगर आप किसी का भला करोगे तो भलाई आपके ऊपर लौट कर ही आएगी। और देखना अब तेरी बीमारी का इलाज करने के लिए पैसे भी मिल गए, अब तुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, हमारी सारी दुख परेशानी सब खत्म।